करेले का नाम सुनते ही ना बच्चे हों या बड़े हों उनके चेहरे का नक्शाना बिगड़ ही जाता है। करेला एक ऐसी सब्जी है जो काफ़ी गुणों से भरपूर है, काफ़ी फायदेमंद है और इसे अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, करेले की ऐसी ही एक टेस्टी और यूनिक रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप ट्राई करोगे तो आपके घर में बच्चे से लेकर बड़े तक आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेला ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने उसका छिलका हल्का हल्का उतार लिया है और उसके बीज निकाल ले रही हूँ मैं। ये काफ़ी अच्छे करेले हैं, यानी फ्रेश करेले लिए थे, और जो भरवा करेले बनाने होते हैं उसके लिए हम थोड़े मोटे करेले ही यूज़ करते हैं। ये बीज आराम से हाथों से भी निकल जाते हैं और अब चम्मच का मतलब यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से ना सभी बीज और छिलकों को मैं निकाल ले रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर करना, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना कि इस रेसिपी को बनाने के बाद आपकी फैमिली में क्या रिस्पॉन्स रहा है। ये करेला मैंने बनाया था और मेरे घर में तो सभी का फेवरेट हो चुका है, यानी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता ना। तो यहाँ मैं नींबू का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही नमक में इसे रखने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ सभी करेले के बीज और छिलके मैंने उतार लिए थे। आपको जो बीज पके हुए हार्ड हो उसको आप हटा भी सकते हो, और जो नरम बीज होते हैं ना छोटे छोटे उसे आप रख सकते हो। अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो आप। अब स्टफिंग के लिए यहाँ 2 प्याज, लहसुन का पूरा गुच्छा लिया है मैंने, अदरक का 1 टुकड़ा। अब यहाँ सूखे मसाले लेंगे, जिसमें 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ लिया है साबुत धनिया के बीज। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच अजीरा का और 12 से 15 दाने काली मिर्च के, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन डाला है और 1/2 चम्मच मैं यहाँ कलौंजी यानी मंगरेल डाल रही हूँ, 8 से 10 दाने मेथी के डाले हैं मैंने, और यहाँ पर 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ डाल रही हूँ। बस धीमी आंच पे ना इन मसालों को रोस्ट करना है, जब तक कि इनका सौंधापन मतलब खुशबू ना आने लगे सौंधी सी, और मसालों की क्रिस्पीनेस हाथ से आप दबाओगे तो पता चल जाएगा मसाले क्रिस्पी हो चुके हैं। बस उसी स्टेज तक हमें भुनना है। ये देखो, मैंने इस तरह से देखा तो धनिया के बीज आराम से टूट रहे थे, एकदम क्रिस्पी हो चुका था मसाला और एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी मसालों का, बोलते हैं ना कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है। यहाँ पे मसालों को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था ठंडा होने के लिए। यहाँ सूखे आम की कलियाँ ले ली हैं इस तरह से मैंने, इसे मसालों के साथ में पीस लूँगी। अगर आपके पास सूखे आम की कलियाँ नहीं है तो आमचूर पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर अब मसालों की और तैयारी करेंगे हम। तो प्याज 2 लिया था ना मैंने, यहाँ पर 1.5 प्याज को इस तरह से मैं रफली यहाँ चॉप कर लूँगी। इस स्टफिंग में यानी करेले की इस भरवा करेले की इस स्टफिंग में आप प्याज को जो हम इस्तेमाल करेंगे ना उनके चंक्स जो आते हैं खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये प्याज हम रफली चॉप कर रहे हैं और इसे हम दरदरा ही पीसने वाले हैं। हाँ जी, दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। पहले मिक्सर जार में मैं यहाँ पर मसालों को पीस लूँगी। हाँ, मसालों को पीसते समय हमें दरदरा ही रखना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि इस मसाले का दरदरापन ही इसकी मतलब टेस्ट को बढ़ाता है। जब हम खाएंगे ना, जब मसालों के चंक्स आते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना पसंद आता है ये भरवा करेला, बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही कम तेल में बनने वाली है, जो कि 2 से 3 दिनों तक आप इंजॉय कर सकते हो। तो मसाला पीस लिया था और उसी जार में मैंने लहसुन, अदरक और प्याज को डाल दिया है। बस इसे अब दरदरा ही हम पीस लेंगे। भरवा करेले को आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हो। हाँ, सफ़र में जाना होना तो भी आराम से आप ले जा सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी आपकी ये सब्जी। तो चलिए, यहाँ पर 1/2 प्याज बचाया था मैंने, उसे भी हाँ इस तरह से मैंने रफली ही काट लिया है, कोई बारीक बारीक नहीं काटा है, मोटा मोटा ही इस तरह से काट लिया है, क्योंकि ये प्याज जब हम भुनेंगे ना तो सॉफ्ट होने वाले हैं। तो 1 चम्मच तेल यहाँ सरसों का लिया है, क्योंकि भरवा सब्जी अक्सर सरसों के तेल में बनाई जाती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। तेल गर्म होने के साथ ही जो 1/2 प्याज मैंने काटा था वो ऐड कर दिया है, और इसे हल्का हल्का गुलाबी कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, यानी हल्का गुलाबी ही करना है। मैं हींग भूल गई थी तो हींग यहाँ ऐड कर दिया है, आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हो, पहले भी ऐड कर सकते हो। प्याज जैसे हल्का गुलाबी हुआ, यहाँ पर मैंने जो छिलके थे करेले के और बीज उसे भी ऐड कर दिया है। बस अब 2 से 3 मिनट हमें इसे भुनना है प्याज के साथ, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका पानी जो है ना सूख जाए।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है, यानी भरवा करेले की ये सब्ज़ी ना मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और ये मैंने सोचा था आपके साथ काफ़ी पहले ही शेयर करने के लिए सोचा था, लेकिन संयोग नहीं बन पाया था, और 2-3 महीने पहले ये रेसिपी सोची थी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पर जैसे ही ये करेले के छिलके हल्के हल्के कलर चेंज हुआ, पानी सूख गया था, जो प्याज का पेस्ट हमने पीसा था वो ऐड कर दिया मैंने। अब बस 2 से 3 मिनट इसे भी भुनना है, यानी इसका कच्चापन हमें दूर करना है। आपको दिख रहा होगा तेल कितना कम इस्तेमाल किया है मैंने, और ये देखो जैसे पानी सूख गया ना, यानी प्याज का कच्चापन दूर हुआ, मैंने यहाँ सूखे मसाले भी ऐड कर दिए, और सूखे मसालों को भी यहाँ अच्छी तरह से मिला लेना है। आपको लग रहा होगा कि छिलके और बीज डालें करेला तो कड़वा लगेगा ही, बिल्कुल नहीं, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो ज़रूर पसंद आएगी आपको। तो यहाँ स्वादानुसार नमक के साथ एक काला नमक ऐड किया है मैंने, जिससे इस मसाले का टेस्ट ना और भी इन्हेंस होगा। और ये भरवा मसाले आप ना, जो मैंने सूखे मसाले पीसे हैं, आप किसी भी भरवा सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप इन मसालों से भरवा भिंडी बना सकते हो, भरवा परवल बना सकते हो, भरवा आलू बना सकते हो, यानी अचारी आलू बना सकते हो। इन मसालों के साथ आप कई सब्जियों को बना सकते हो। तो चलिए, मसाले जब भुन गए थे अच्छी तरह से, मैंने एक प्लेट में निकाल कर इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, यानी हाथ सहने लायक इसे ठंडा कर लिया। दूसरी तरफ मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया है, आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर रख देना। इस तरह से छेद वाली छन्नी रखी है मैंने स्टील की, और उसे ढक दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर करेले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर हम मसाले भर देंगे, और मसालों को दबाते हुए अच्छी तरह से भरेंगे। कई लोग धागे से बांधते हैं भरवा सब्जियों को, तो यहाँ बिल्कुल भी मैं भरवा सब्जी को धागे से नहीं बांधूंगी, ना ही मेरे मसाले बाहर निकलने वाले हैं और ना ही ये फूटने वाले हैं। और करेले को भी मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं लगाया है, क्योंकि अधिकतर लोग कड़वापन दूर करने के लिए नमक लगा देते हैं या नींबू निचोड़ देते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं किया है। पूरी वीडियो आपके सामने है, करेला उसी तरह से जिस तरह से मैंने वॉश करके रखा था उसी तरह से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी करेलों में इसी तरह से मसाले दबाते हुए अच्छी तरह से मैंने भर लिया है। ये देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, और इस बनने के बाद यानी पूरे तैयार होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। बस पानी गर्म हुआ था, यहाँ पर मैंने करेलों को रख दिया है स्टीम होने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर। करेलों को पकाना है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप इसे ओवर कुक कर दोगे ना तो करेले ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो टूट जाएंगे। बस हमें इन्हें पकाना है, क्योंकि इस सब्जी में हम तेल का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, यानी कम तेल में सब्जी बन रही है, तो काफ़ी हेल्दी बनने वाली है, काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। यहाँ करेले स्टीम हो चुके थे तो मैंने इन्हें ठंडा कर लिया था, और फिर से 1 चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ, मैंने एक एक करके करेले, सभी करेले एक ही साथ कढ़ाई में डाल दिए हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने गैस की फ्लेम रखी हुई है। अब बस इसे हमें अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से लाल सेक लेना है, यानी लाल फ्राई कर लेना है, और जो तेल हमने डाला है ना कढ़ाई में, ये भी बचने वाला है, क्योंकि करेले हमने पहले से स्टीम कर रखे हैं, तो करेले को लाल होने के लिए ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं होगा, तेल बच जाएगा। इस तेल का उपयोग आप दूसरी सब्जी में भी कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के मरीज आराम से इस सब्जी को इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सभी मसाले उसी तरह से मैंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई मसाला मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। प्याज लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें है, और मसाले जो हैं हमारे गरम मसाले वगैरह जो धनिया वगैरह में हैं, वो भी मैंने बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल की है, और उसी में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। यानी भरवा करेले की ये रेसिपी आपने आज तक तो बहुत भरवा सब्जी बनाई होगी, ट्राई की होगी, एक बार मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाना। और इसे बनाने के बाद उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी, और घर में आपके सभी फैन हो जाने वाले हैं। गर्मा गर्म भरवा करेले यहाँ बनकर तैयार हुए थे, मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया था, और इस तरह से मैंने कढ़ाई से निकाल कर देखी प्लेट में रख दिया है। तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने तेल साइड में बाकी एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल दिया है। ये देखो, भरवा करेले बनकर तैयार हो गए थे। गर्मा गर्म दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कीजिए, सफ़र में ले जाइए, और रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।